डी फ्रैगमेंटेशन और ये आइकन आपको जरूर याद होगा लेकिन क्या 2023 में भी आपको ऐसा करना चाहिए पहले हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैग्नेटिक हार्ड डिस्क का यूज करते थे जिसमें मूविंग पार्ट्स होते थे और डेटा राइट होते टाइम पूरी डिस्क में स्कैटर हो जाता था जिससे फाइल को रीड करने में ज्यादा टाइम लगता था तो इसी स्कैटर डेटा को एक जगह मूव करने के लिए डिस्क डिफ्रैक्ट की जाती थी जिससे रीड ओवरहेड कम हो जाते थे और ओवरऑल परफॉर्मेंस फास्ट हो जाती थी लेकिन फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स हम लोग ओ के लिए एस और एन ड्राइव में शिफ्ट हो गए हैं जिसमें सेमी होते हैं मीन्स नो मूविंग पार्ट्स बट एस को भी ऑप्टिमाइज करने के लिए ट्रिमिंग प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा टाइम टाइम पर बैकग्राउंड में रन होता रहता है which basically works by erasing data that is no longer needed to so, ha no defragmentation needed for ssd drives in 2023 but of course it still works for magnetic drives